छत्तीसगढ़ विधानसभा को पेपरलेस बनाने और ई विधानसभा बनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसके लिए पिछले दिनों विशेषज्ञों की एक टीम हिमाचल प्रदेश विधानसभा का दौरा कर वहां चल रही ई विधानसभा का अध्ययन कर लौटी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बारे में गौरीशंकर अग्रवाल ने बताया कि शुरुआती दौर में कुछ व्यवहारिक दिक्कतें आ रही हैं, जिसे जल्द ही ठीक कर लिया जाएगा। अग्रवाल ने बताया कि इसके लिए विधायकों को पहले प्रशिक्षण दिया जाएगा और उसके बाद ई विधानसभा लागू किया जाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। दिल्ली में सभी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें वहाँ के अध्यक्ष जी ने एक पेपरलेस वर्किंग के बारे में एक रिप्रेजेंटेशन दिया था। निश्चित रूप से धीरे धीरे सभी विधानसभाओं को इस दिशा में आगे आना पड़ेगा। व्यवहारिक रूप से निश्चित कुछ कुछ कठिनाइयाँ हैं, तो उसके पहले हम सभी विधायकों को थोड़ा सा प्रशिक्षण दे करके और इसके लिए मानसिक रूप से तैयार करेंगे। उसके बाद फिर जो है इतने बड़े अपराध को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, जो क्वेश्चन आवर होता है जिसमें हम किताब बांटते हैं प्रश्नोत्तर की, चाहे मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हो चाहे प्रधानमंत्री जो कि चुप है, सब उनके जो है लैपटॉप पे और पूरा ईमेल के माध्यम से नेट के माध्यम से डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये धीरे धीरे सुधार की प्रक्रिया जारी है और छत्तीसगढ़ विधानसभा में भी निश्चित रूप से इसको लागू करने का प्रयास करेंगे।